हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जब राजसूय यज्ञ का समय आया तो सर्वसम्मति से श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। पांडवों के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण के चुने जाने पर शिशुपाल भड़क उठा और श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी। 99 श्री कृष्ण उसके अपराधों को गिनते रहे। पूरे 100 शिशुपाल। तब भरी सभा में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिशुपाल के मृत शरीर से भगवान विष्णु का जय नाम का पार्षद प्रकट हुआ। जय की 4 भुजाएं थी, क्योंकि वैकुंठ धाम में भगवान के सभी पार्षद चतुर्भुज रूप में ही होते हैं। फिर जय को वैकुंठ ले जाने के लिए एक दिव्य विमान उतरा और वो वैकुंठ की ओर चल दिया। रास्ते में स्वर्ग लोक की सीमा पर उसे देव ऋषि नारद मिल गए, जिन्होंने उसे बताया कि आज 3 जन्मों के बाद उसे सनक सनंदन के श्राप से मुक्ति मिली है। मुनिराज, कृपया ये तो बताइए कि कौन से श्राप से आज मुझे मुक्ति मिली है। तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तब नारद जी ने उसे वो कथा सुनाई कि कैसे उसने उन 4 ब्रह्म कुमारों को वैकुंठ के 7वें द्वार पर अंदर जाने से रोका था। और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है।
प्रणाम सनातन ऋषि वरुण। प्रणाम त्रिलोकी नाथ। आप लोगों की चरण धूलि से हमारा लोक पवित्र हुआ है महात्माओं। हे अनंतानंद, हम आपके ही दर्शनों को आए थे, परंतु आपके ये पार्षद हमें आपके दर्शनों से रोककर हमारा अनादर कर रहे थे। अनादर? वो भी आप जैसे सनातन ऋषियों का? असंभव। प्रभु, गर्व तो असंभव को भी संभव कर देता है। आपके ये गर्वीले पार्षद हमें आपके द्वार पर रोके खड़े हैं, इसलिए हमने इन्हें श्राप दे दिया कि ये मृत्युलोक में चले जाएं। श्राप दे दिया है सो तो ठीक है, परंतु मैं इनकी धृष्टता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु, आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, परंतु क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने सेवक के पाप का अपयश उसके स्वामी को भी भोगना पड़ता है, इसलिए अपने सेवक के अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। प्रभु, आप हमें और लज्जित ना करें। हमारे अंदर क्रोध का विकार उत्पन्न हुआ था, इसके लिए हम पहले से ही लज्जित हैं। आप हमारे इस दोष के लिए हमें क्षमा करें। हम ब्राह्मणों को भी क्रोध नहीं करना चाहिए था महाप्रभु, इसके लिए आप हमें भी दंड दे सकते हैं दीनानाथ। महात्मन, मेरे यहाँ किसी को दंड नहीं दिया जाता। ये जो मेरे प्रिय पार्षद हैं, इनके श्राप की अवधि यदि आप निश्चित कर दें तो इन पर बड़ी कृपा होगी। धन्य है दया निधान, आपकी विनम्रता ने तो हमारा हृदय जीत लिया है। आपके दर्शनों में हमें 3 क्षणों का विलंब हुआ है, इसलिए इन पार्षदों को 3 जन्मों तक मृत्युलोक में रहना होगा। इसके बाद ये मुक्त होकर फिर वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। और जो ये तीसरा पार्षद सुनंद है, जो द्वार के निकट खड़ा है, उसके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, इसने मौन रहकर जय और विजय के वार्तालाप को सुना और कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, ये इसका अपराध है, इसलिए इसे भी मृत्युलोक में जाना होगा। परंतु ये हर जन्म में आपका सेवक बनकर आपका ही यशोगान गाता रहेगा। ब्राह्मणों का वचन मेरा ही वचन है, जो सर्वदा सत्य है, और जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदरतम है। अब तुम लोग हमारे धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक में जाओ। कृपा निधान, हमारी एक प्रार्थना है। वो क्या? हमारी इच्छा है कि तीनों जन्मों में हमारी मुक्ति आपके ही हाथों से हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं मृत्यु लोक में आऊंगा। तुम मेरे प्रिय पार्षद हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति भी मेरे ही हाथों होगी। जय और विजय, तुम दोनों पृथ्वीलोक में जाकर महात्मा कश्यप और उनकी पत्नी दिति के गर्भ में प्रवेश करोगे, और सुनंद कुछ काल के बाद तुम्हारे पास आएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सनक सनंदन का श्राप पाने से दोनों जय और विजय आकाश से धरती की ओर गिरने लगे। बैकुंठ से पतन के पश्चात तुम दोनों का जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दोनों भाई परम बलशाली थे। सत्ता के अहंकार में उन्होंने यह सोचा कि पृथ्वी पर मानव यज्ञ यज्ञादि के द्वारा भगवान की जो पूजा करते हैं उसे बंद कराना चाहिए। हिरण्याक्ष ने श्री नारायण की पूजा को बंद करने के लिए आकाश से पृथ्वी को चुराकर समुद्र के नीचे छिपा दिया। Oh, my God.
देखकर प्रभु ने वाराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की नासिका से अपने रूप को प्रकट किया। समुद्र के अंदर उसके साथ युद्ध किया। तत्पश्चात उसका वध करके प्रभु ने अपने दांतों पर धरती को उठाया, उसे समुद्र से बाहर निकाला। भाई का वध होने से हिरण्यकश्यप बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने गुरु के कहने से बड़ा घोर तप करके ब्रह्मा जी से वर मांगा। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वयं भगवान होने की घोषणा कर दी और यह आज्ञा दी कि सब उसकी पूजा करें। उसके डर से सारी सृष्टि उसकी पूजा करने लगी, परंतु उसके अपने पुत्र बालक प्रहलाद ने पिता को भगवान मानना स्वीकार नहीं किया और श्री हरि की पूजा करता रहा। नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर कई प्रकार से उसकी हत्या कराने की कोशिश की। और इसकी जीवा काट दो, ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
परंतु प्रभु कृपा से प्रहलाद हर बार जीवित रहा। अंत में जब उसने अपने हाथों पुत्र पर आघात करना चाहा, तो भगवान श्री हरि नरसिंह का रूप लेकर एक खंभे से प्रकट हुए। यदि इस खंभे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंभा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। कश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा, तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से, तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारा पहला जन्म समाप्त हुआ। पुनः दूसरे जन्म में तुम दोनों का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उस जन्म में श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर तुम दोनों का उद्धार किया। कुंभकर्ण का उद्धार करने के पश्चात भगवान श्री राम ने रावण का भी अंत कर दिया। श्री राम
इस प्रकार तुम्हारा दूसरा जन्म भी पूर्ण हुआ। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म था जिसमें तुम स्वयं श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल के रूप में जन्मे और प्रभु ने अपने हाथों तुम्हें मानव शरीर से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार किया। मुनिराज, कृपया ये तो बताइए कि इस जन्म में मेरा साथी विजय कहाँ है? वह श्री कृष्ण की बड़ी बुआ के पुत्र दंत वक्र के रूप में तुम्हारे साथ ही इस धरती पर जन्मा था। शीघ्र ही वह भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाएगा। परंतु कब तक? जब पांडवों का रास्वी यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भगवान द्वारिका लौटेंगे तब वह द्वारिका पर आक्रमण करेगा तब। परंतु अभी तो भगवान इंद्रप्रस्थ में ही उत्सव का आनंद ले रहे हैं। उनके साथ इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी अतिथिगण भी पांडवों का वैभव देख देख कर चकित हो रहे हैं। जी, अरे 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 पांजे, कैसी माया है, चलो। अब श्री भांजे चलो। आगे चलिए मामाश्री। चलो भांजे चलो। चलो भांजे चलो। हाँ चलिए चलिए। मामा श्री चलो यहां से। देवर जी, ओ देवर
पिताजी, ये हस्तिनापुर नहीं है, जहाँ देखे बिना भी चल सकते हैं। ये तो इंद्रप्रस्थ के महल है, इंद्रप्रस्थ के, जहाँ आंखें खोल कर चलना पड़ता है। अच्छी हंसी, तुझे महंगी पड़ेगी रानी, बहुत महंगी पड़ेगी। चलो मामाश्री। अच्छा तुम्हारा आज्ञा दे। अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है, हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। महाराज जाना तो होगा ही, कितने दिन हो गए, हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं, वहां की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। परंतु मुझे आप दोनों को छोड़ने का जी नहीं करता। इसीलिए तो मैं दाऊ भैया को यहीं छोड़े जा रहा हूं, और उनका भी मन है कि वो कुछ दिन और यहां ठहरे, और उनके बदले मैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को ले जा रहा हूं। जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर, जाने दीजिए कन्हैया को, वहां रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होंगी। फिर तो हमारा आपको रोकना अनुचित होगा, और अर्जुन आपका प्रिय सखा भी तो है। हाँ महाराज, तो अब हमें अनुमति दें। अवश्य, शुभ घड़ी भी है, प्रस्थान करें कन्हैया। लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भांजे, तुम्हारा काम तो अपने आप ही बन गया। कैसा काम मामाश्री? इतना भी नहीं समझते? कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं, द्वारिका। वो चले गए तो क्या हुआ? तो क्या नहीं भांजे, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? तुम्हें बलराम मिल गए हैं, बलराम, वो भी अकेले। हाँ, वो यहीं पे रुके हुए हैं। अब बताओ भांजे कि तुम्हारा काम बना या नहीं। मामाश्री, लगता तो है मामाश्री। तो बस तुम पूरी तरह से बलराम की सेवा करो, उनकी खूब चापलूसी करो। हाँ, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे ही भाल पर होगी। हाँ, ठीक है मामाश्री, ठीक है।
कोई है? कोई है? मेरी राहों में फूल बिछाकर जिसने मेरा सम्मान किया है उस पर मैं प्रसन्न हूं। जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है उसे मैं देखना चाहता हूं। अगर उस महाभाग ने मुझे अपने दर्शन दिए तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी। इतने कष्ट उठाकर जिसने मेरा आतिथ्य किया है मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। कृपया वो मेरे सामने आने का कष्ट करे। द्वारिकाधीश दुर्योधन तुम? हाँ बलराम भैया। प्रणाम द्वारिकाधीश, प्रणाम। शकुनी मामा आप? स्वागत है आपका द्वारिकाधीश, स्वागत है। लेकिन इस तरह से फूलों का गालीचा बिछाकर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्वागत सभी का नहीं किया जाता है द्वारिकाधीश, कुछ माननीय हस्तियों का ही किया जाता है। आप शायद जानते नहीं, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। हा? दुर्योधन ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश। पूजा? दुर्योधन, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, हस्तिनापुर के कल के राजा हो, फिर भी कितने विनम्र हो तुम। भीम जैसा नहीं है मेरा भांजा द्वारिकाधीश। भीम? हाँ, उसे तो दूसरों का अपमान किए बिना चैन ही नहीं मिलता है। विशेषकर बुजुर्गों का अपमान करने में तो वो सदा आनंद लेता है। किसका अपमान किया है उसने? जाने दीजिए ना बलराम भैया, अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में। बुरा लगाना द्वारिकाधीश, मुझे भी लगा था, इसीलिए तो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। सच बोलूं, आप इतने बलशाली हैं फिर भी कितने विनम्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण से मिलना हुआ तो वो हंसते हंसते कह रहा था कि बलराम भैया तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, कन्हैया मेरा छोटा भाई है, उसे डांटने का मुझे पूरा अधिकार है। परंतु कृष्ण ऐसा कहां समझता है दाऊ भैया, कहां समझता है। वो तो कह रहा था कि बलराम भैया कभी समझदारी से काम ही नहीं लेते। ऐसा कहा कन्हैया ने? हाँ बिल्कुल ऐसा कहा। क्यों भांजे? हाँ मामाश्री, हाँ। द्वारिकाधीश, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आपकी वजह से कोई द्वारिका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलूं, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला। लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर? शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारिकाधीश, अवश्य बन सकता है।
लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ कथाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारिकाधीश, हाँ उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। बधाई हो भांजे, बधाई हो, तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे हाँ। भांजे वाह, भांजे खूब सेवा करो, दाव भैया की खूब सेवा करो। जय हो, जय हो द्वारकाधीश बलराम की, जय हो। गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। तुम्हारा अध्ययन जल्दी शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। राजकुमार बलराम की जय। राजकुमार बलराम की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। राजकुमार बलराम की जय। रुक्मिणी तुम आ गई। अरे आप तो ध्यान मग्न थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो फिर भी मत्सल नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाह दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामाश्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है।
भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं। रुक्मिणी, चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती, उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधु दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन आ रहे हैं। आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही, अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव। बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं, तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है। और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की, आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ। मधुसूदन, बलराम भैया का क्या समाचार है? सुना है वो हस्तिनापुर चले गए हैं। हस्तिनापुर? हाँ हस्तिनापुर, दुर्योधन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और वो उसे गदा चलाना सिखा रहे हैं। अच्छा, भांजे संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी आओ। दुर्यो
जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है, और जब मन सुदृढ़ होता है तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती, समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा, परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे, समझे? आओ।